हाई एवरी वन होप यू ऑल मस्ट वू एंग ग्रेट हम लोगों ने पार्ट वन में टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर वन फॉर इनकम टेक्स शुरू किया था याद है आपको और मैं मैंने आपके साथ कुछ एम सी क्यूज डिस्कस करे थे ऑलमोस्ट इट वॉज ट्वेल्व एम सी क्यूज़ एंड दिस पेपर दिस टेस्ट पेपर इज ऑफ टोटल फिफ्टीन मार्क्स जिसमें एम सी क्यूज़ भी थे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी थे आई होप आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो डाउनलोड भी किया होगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल गया था लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और इस इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव यू द लिंक सो दैट यू कैन डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एज वेल एज द सोल्यूशन फॉर दैट ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये टेस्ट पेपर सॉल्व करें एंड यू विल गेटिंग द सोल्यूशन ऑल्सो और मैं सभी क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही रहा हूँ वंस यू आर डन विद द पेपर यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो रिवाइज क्योंकि ऐसा है कि मैं डिस्कशन करते समय uh, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ही नहीं बाकी चीज़ें भी डिस्कस करूँगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर थर्टीन आई सपोज ठीक है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। सो इफ यू कम टू दिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन केस अगर आप प्रिंट भी ले सकते हैं ना इस टेस्ट पेपर का देन इट वुड बी फंटेस्टिक अगर आप अगर आप आ, प्रिंट की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल हो या कहीं से अरेंज कर पाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर आप प्रिंट ले लें तो ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेज मिस्टर कमल एज फोर्टी फाइव ईयर्स वर्किंग इन सुपरटेक लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेनिंग टू हिस फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी बेसिक सैलरी है इनको मिली है सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो सैलरी का क्वेश्चन है ये बेसिकली डीएनएस अलाउंस फोर्टी परसेंट ऑफ बेसिक पे फिफ्टी परसेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ़ रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं लाइक एच आर इन सबको कंप्यूट करने के लिए हमें जो सैलरी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम डी को पार्ट बनाते हैं अपनी सैलरी का विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स आई बिलीव ये आपको पता है कमीशन मिलता है इनको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेडिकल एक्सपेंसेस री बाय द एम्प्लॉयर टेन थाउजेंड प्रोफेशनल टैक्स फिफ्टी परसेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर थ्री थाउजेंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज़ नाइन थाउजेंड गिफ्ट वाउचर बर्थडे पर मिले हैं इनको फिफ्टीन थाउजेंड के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है एम्प्लॉयर ने फोर्टी थाउजेंड लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट फोर्टी फाइव थाउजेंड थी और एस एस सी के चिल्ड्रन भी इसको यूज करते हैं लैपटॉप घर पर वो ले जाते हैं और बच्चे गेम खेल लेते हैं ओके एम्प्लॉयर कंपनी ओन्स अ मोटर कार विच वॉज प्रोवाइडेड टू द एस एस सी बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज ऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेज आर फुली द एम्प्लॉयर तो यहाँ पर एक मोटर uh, कार भी प्रोवाइड की गई है विच इज बोथ यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल और इसकी इंजन कैपेसिटी इज लेस देन 1.6 पॉइंट सिक्स लीटर दैट मीन्स इट्स अ स्मॉल कार एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय द इम्प्लॉयर इज फाइव थाउजेंड रुपीज यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल एंड द हेड सैलरी इन देंड्स कमल फॉर असेसमेंट इवेंटी ट्वेंटी वन एंड इट्स अ सेवन मार्क्स क्वेश्चन ठीक है काफी सारी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं सैलरी से रिलेटेड जल्दी से देखते हैं कि आपने किस तरीके से किया होगा सबसे पहले देखिए हमेशा मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था पार्ट वन में कि जब कभी भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन डिमांड करता है तो वहाँ से आप शुरुआ, शुरुआत शुरुआत कीजिए जो योर प्रेजेंटेशन शुड बी सच दैट कि आप लिखें वहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर कमल असेसमेंट ईयर जो आपके लिए एप्लीकेबल है नवम्बर 20 और दिसंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 2021 तो आप वो वहाँ पर कोट करें जनरली असेसमेंट ईयर लिखें प्रीवियस ईयर भी लिखते हैं तो चलता है बट रिकमेंडेड uh, होता है कि आप असेसमेंट ईयर लिखें ठीक है क्योंकि इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में बातें करता है अब मैं स्टूडेंट से हमेशा ये बोलता हूं कि इनकेस अगर आप सैलरी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए जो भी आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है अभी ये मत चेक कीजिए कि वेदर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज़ फुली टेक्सीबल और इट इज़ एग्जेमट और पार्टली टेक्सीबल यू जस्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इट क्योंकि देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको गिवन हैं तो ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चीज़ लिख रहे हैं फिर उसकी कंप्यूटेशन लिख रहे हैं तो इट माइट हैपन कि आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएं सो फॉर टू सेव दैट पर्टिकुलर थिंग कि ऐसा कुछ ना हो पाए प्लीज़ मेक अ लिस्ट तो सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए कि मुझे बेसिक सैलरी मिल रही है डी एन एस अलाउंस कमीशन एंटरटेनमेंट अलाउंस इस तरह की लिस्ट बना लीजिए वंस यू आर डन विद दिस लिस्ट उसके बाद देखिए कि कौन सा कंपोनेंट कितना टैक्सेबल है बेसिक सैलरी को फुली टैक्सेबल कीजिएगा डी एन एस अलाउंस यू अंडरस्टैंड फुली टैक्सेबल विच इज़ फोर्टी परसेंट फॉर्मिंग पार्ट का अभी कुछ नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है कि अगर कोई हमें एच आर ए वगैरह बाकी चीज़ें निकालनी होती हैं तब वो काम आता है ना राइट नाउ इट इज़ फुली टैक्सेबल सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड बेसिक सैलरी है फोर्टी परसेंट उसका डी ए टेक्सेबल हो जाएगा कमीशन यू अंडरस्टैंड कमीशन हो फीस हो बोनस हो ऐसे कंपोनेंट जब कभी भी आप देखेंगे प्लीज मेक इट फुली टेक्सेबल ठीक है मेडिकल एक्सपेंसिस रिमबर्स द एम्प्लॉयर सॉरी एंटरटेनमेंट अलाउंस टेक्सेबल हो जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस टेक्सेबल है अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर वो तो एग्जेम्ट होता है तो मैं आपको बता दूं वो एग्जेट नहीं होता है एक्चुअली उसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16 और वो भी मिलती है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इनफैक्ट वैसे तो यहाँ पर कमल इज़ वर्किंग विद अ कंपनी सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है बट फिर भी अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते भी तो सबसे पहले जब वेन यू आर कैलकुलेटिंग योर ग्रॉस सैलरी जब आप अपनी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस को फुली टेक्सेबल कीजिए ऊपर ग्रॉस सैलरी निकालते हुए वंस यू आर डन विद योर ग्रॉस सैलरी वंस यू हैव कंप्यूटेड योर ग्रॉस सैलरी उसके बाद आप एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन देंगे एग्री हैं ठीक है बाद में देंगे ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही माइनस करें एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो लीस्ट ऑफ़ द थ्री होती है फाइव थाउजेंड रुपीज ट्वेंटी परसेंट ऑफ बेसिक ठीक है वो सब एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव वैसे अभी नहीं करना है ग्रॉस सैलरी आने के बाद एंड दैट टू विद द केस वे द केसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज समझ में आ रहा है तो यहां पर तो एंटरटेनमेंट लाउंस इज फुली टेक्सीबल मेडिकल एक्सपेंसिस रीम्बर्स द एम्प्लॉयर अब अगर मेडिकल एक्सपेंसिस री इंबर्स करें तो दैट इज फुली टेक्सीबल हाँ पहले ही हुआ करता था ठीक है पंद्रह हजार तक एग्जाम होते थे जो कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा होगा बट नाउ मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर अगर कोई आपको एक्सपेंसिस रि कर रहा है इंप्लॉयर दैट इज़ फुली टैक्सेबल हाँ फिर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ दूसरी होती हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है इंप्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रहा है तब वो एक्जैम्ट होता है बट राइट नाउ अगर रीइम्बर्समेंट हो रही है दैट इज़ फुली टैक्सेबल उसको फुली टैक्सेबल कीजिएगा नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल टैक्स अब प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है सेक्शन सिक्सटीन में हम लोग जानते हैं कि इसकी डिडक्शन मिलती है इफ़ इट इज़ पेड ड्यूरिंग द ईयर कैश बेसिस पर जितना भी पे हुआ है उसकी डिडक्शन मिलती है चाहे इम्प्लॉय ने पे किया हो या इम्प्लॉयर ने पे किया हो इ रिस्पेक्टिव ऑफ़ दैट वेदर पेड बा द इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर इसकी डिडक्शन मिलती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज़ ये इम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करना इनकेस उसका एम्प्लॉयर कहता है कि मैं इसका बर्डन बेयर कर लेता हूँ मैं इसको पे करूँगा तो प्लीज़ जितना बर्डन एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है वो पहले परक्यूजिट बनाइए वो पहले इनकम बनाइए ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाइए तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल टैक्स 50 परसेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 3000 का 50 परसेंट फिफ्टीन सबसे पहले ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा और फिर जितना भी पे हुआ है वो सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलेगी तो थ्री थाउजेंड की डिडक्शन आप बाद में देंगे पहले ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाइएगा फिफ्टीन ठीक है नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज एक्जेंड तो इसको एक्जेम्ट करिएगा नाइन थाउजेंड टैक्सेबल नहीं होंगे गिफ्ट वाउचर गिफ्ट वाउचर मिला है फिफ्टीन थाउजेंड का इनकेस इनकेस कैश गिफ्ट मिलते हैं ठीक है इफ यू रिसीव कैश गिफ्ट देन इट इज फुली टेक्सेबल एंड इफ द आर रिसीव्ड इन काइंड एंड इफ इट इज मोर देन फाइव थाउजेंड तो उसको फिर टेक्सेबल करते हैं तो यहां पर दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं आप दोनों में से कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो जनरली फॉलो किया जाता है अगर ये गिफ्ट एंड काइंड इज मोर देन फाइव थाउजेंड रुपीज ठीक है पांच हजार से ज्यादा है तो मेक इट फुली टैक्सेबल तो जनरली हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करते हैं तो उस केस में फिफ्टीन थाउजेंड फुली टैक्सेबल कर देंगे बट कुछ स्टूडेंट्स चाहें तो एस के बेनिफिट में थोड़ा सा जा सकते हैं और जितना भी गिफ्ट एंड काइंड मिलता है उसमें से फाइव माइनस करने के बाद आप टेक्सीबल कर सकते हैं तो दोनों आंसर ठीक हैं फिफ्टीन थाउजेंड फुली टैक्सेबल करें तो भी ठीक है माइनस फाइव थाउजेंड करें तो भी ठीक है ठीक है बट जनरली इंस्टीट्यूट फर्स्ट व्यू ज़्यादा मानता है तो मैं फिफ्टीन थाउजेंड फुली टैक्सेबल करना चाहूँगा अच्छा ये गिफ्ट वाउचर है अगर ये कैश वाउचर होता तो ऑब्वियसली वो कैश में चीज़ें मिलते हैं गिफ्ट वाउचर को जनरली हम काइंड मानते हैं कैश वाउचर को कैश का कंपोनेंट मानते हैं मोनिटरी uh, कंपोनेंट मानेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है एम्प्लॉयर ने इट बिकम्स फुली टैक्सेबल लाइफ इंश्योरेंस को फुली टैक्सेबल करिएगा लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स जब प्रोवाइड किए जाते हैं इंप्लॉय को सो इट्स नॉट अ बेनिफिट एक्चुअली हम लैपटॉप कंपनी आपको लैपटॉप इसलिए देती है कि आप घर से भी काम कर सकें तो आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो अगर लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए गए हैं अब उसमें रात को बैठ के आप उसमें पिक्चर देख रहे हैं एस के बच्चे उसमें गेम खेल रहे हैं सो इट्स ओके ठीक है अब वहां पर इंप्लॉयर आके नहीं देखेगा कि गेम खेल रहे हो आप सो इट्स ओके बट इट इज एक्जेंट तो यहां पर आप एग्जेप करिएगा लैपटॉप की फैसिलिटी को मोटर कार प्रोवाइड की गई है खर्चा भी इंप्लॉयर कर रहा है इन रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस जो पार्टली यूज होता है हम लोग जानते हैं फिक्स्ड अमाउंट है स्मॉल कार के लिए 1800 पर मंथ फुली टैक्सेबल कीजिएगा 1800 हंड्रेड इंटू ट्वेल्व क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी गई है अगेन इट इज फुली टैक्सेबल अगर ये नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता तो हम एक्ज कर देते बट नाउ इट इज़ नॉट बींग यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज दैन इट इज़ फुली टेक्सीबल तो इन सबको मिलाकर जब आप टेक्सेबल करेंगे तो आपकी आती है ग्रॉस सैलरी वंस यू आर कम्प्लीटेड विद योर ग्रॉस सैलरी वंस यू आर डन विद योर ग्रॉस सैलरी उसके बाद आप सेक्शन सिक्सटीन की डिडक्शन देंगे और आपको पता है एक डिडक्शन तो हमेशा मिलती है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिए और उसके बाद अगर दूसरी डिडक्शंस भी हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन यहाँ पर मिल नहीं पाएगी बिकॉज ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हाँ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स जिसको बोलते हैं उसकी डिडक्शन मिल जाएगी विच इज़ एक्चुअली पेड थ्री थाउजेंड रुपीज़ इस तरीके से आप ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्टीन कर पाएंगे मैं एक बार आपको स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ देखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी ये ठीक लिखा है स्टूडेंट ने बट लिखना चाहिए एस का नाम भी तो यहाँ पर एस का नाम भी लिखना चाहिए और असेसमेंट ईयर भी लिखना चाहिए ट्वेंटी ट्वेंटी वन जिस असेसमेंट के लिए आप कर रहे हैं ये यह यहाँ पर मिस है बेसिक सैलरी कंपोनेंट सबसे पहले कंपोनेंट्स बना लीजिए कि हमें क्या क्या मिल रहा है तो बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी मिली है डी एन अलाउंस मिला है कमीशन मिला है एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है मेडिकल एक्सपेंसिस री बाय द एम्प्लॉयर ये भी फुली टेक्सीबल होते हैं फुल टेक्सीबल किए हैं प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर देखिए फिफ्टी ही लिया है फिफ्टीन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे वेदर इट इज़ टेक्सेबल वेदर इट इज़ एग्जाम आप लिस्ट बना लीजिए जो एग्जाम है उसके यहाँ पर आप निल लिख सकते हैं डैश लिख सकते हैं एग्जेट लिख सकते हैं दैट इज योर वेश गिफ्ट वाउचर यहाँ पर देखे स्टूडेंट ने फाइव थाउजेंड माइनस करने के बाद टेक्सेबल किया तो दैट इज़ ऑल्सो ओके अगर फिफ्टीन थाउजेंड पूरा करते दैट इज ऑल्सो फाइन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इम्प्लॉयर टेक्सेबल होना चाहिए था यहाँ पर स्टूडेंट ने गलती की है लैपटॉप की फैसिलिटी एग्जेम्ट है कार 1800 हंड्रेड इंटू ट्वेल्व क्रेडिट कार्ड फीस इतना आया इसके बाद हमारी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आ जाती है ग्रॉस सैलरी में से आप डिडक्शन देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स और फिर आपका आंसर आ जाएगा ये आंसर थोड़ा सा ठीक नहीं होगा रीजन विंग कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस करी गई हैं लाइफ जैसे लाइफ इंश्योरेंस मिस की गई है आपके पास सॉल्यूशन है वहाँ से इसका करेक्ट आंसर देख लीजिएगा ठीक है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है कहता है मिस्टर अश्वनी एज फोर्टी फाइव ईयर्स इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया वॉज ट्रांसफर टू इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया ठीक है पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे फिर बाद में इनको फॉरन सर्विसेज में भेज दिया गया ऑन फिफ्टीन मार्च नाइन्टीन मतलब हमारा ये शुरू होता है अप्रैल नाइनटीन से ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन के लिए बट उससे पहले ही फिफ्टीन मार्च को ही इनको बाहर भेज दिया गया ऑस्ट्रेलिया हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 ट्वेंटी तो नाइनटीन में इनकम जो इन्होंने अर्न करी है एक्चुअली ये सर्व कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया में बट ही वॉज़ वर्किंग फॉर इंडिया ठीक है इंडियन सिटीजन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको ट्रांसफ़र किया था आप इनके लिए जानते हैं कि इनकी बेसिक सैलरी इनकी जो सैलरी इनकम होती है दैट इज़ टेक्सेबल बट जो अलाउंसेज होते हैं या परक्यूज होते हैं विच वी कॉल फॉरन अलाउंसेज या फॉरन परक्यूजेस वो एग्जाम हम लोग करते हैं ठीक है तो रेंट फ्रॉम अ हाउस सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया रिसिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज हम मानते हुए चलते हैं अच्छा नीचे लिखा भी है अश्वनी डिड नॉट कम टू इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियली नाइनटीन ट्वेंटी ये एक विद इन इंडिया नहीं आए सो दैट मेक्स एम नॉन रेसिडेंट ये नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं उसके बाद अगर ये नॉन रेसिडेंट होते हैं तो इनकी ग्लोबल इनकम आप टैक्सीबल नहीं करेंगे जो इनकम इंडिया में अराइज नहीं हुई है इंडिया में रिसीव नहीं हुई है प्लीज उसको टैक्सेबल मत कीजिएगा आर यू ऑल गेटिंग दिस तो इनको रेंट मिला है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए बट एक्चुअली ये अराइज भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ हुआ है रेंट और रिसीव भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ हुआ है रेमिट रेमिटेंस से इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है तो आप 525 को टैक्सेबल नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया 4500 फाइव हंड्रेड हाँ ये फोर्टी फाइव हंड्रेड को टैक्सेबल करेंगे बिकॉज ये इंडियन इनकम है बट आपको याद होगा जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोग पढ़ते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जो पैसे मिलते हैं उसको टैक्सेबल करते तो हैं बट उसमें से थर्टी फाइव हंड्रेड माइनस करने के बाद ही हम टैक्सीबल करेंगे तो यहां पर फोर्टी फाइव हंड्रेड माइनस आप थर्टी फाइव हंड्रेड करिएगा तो आपको वन थाउजेंड ही आएगा ठीक है क्लियर हो गया वन थाउजेंड ही टेक्सीबल आएगा जॉइंट अकाउंट होते हैं तो सेवन थाउजेंड माइनस करते हैं सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मिली है तो सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सीबल होगी फॉरन अलाउंसेस टैक्सीबल नहीं होंगे तो एट लाख ,00 को टैक्सीबल मत कीजिएगा नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को टेक्सीबल कीजिएगा अब देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पर सैलरी इनकम नहीं लिखी यहाँ पे लिखा है सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है सैलरी इनकम जब ऐसे बोल देते हैं सैलरी इनकम तो ये एज्यूम किया जाता है दैट दिस इज अ कंप्यूटेड इनकम मतलब नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी डिडक्शन के बाद नेट सैलरी है जिसको हम सैलरी बोलते हैं बट यहां पर लिखा हुआ है कि सैलरी इनकम दैट इज बेसिक सैलरी इनकम तो इसको हम ग्रॉस सैलरी मानते हुए इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे देंगे ठीक है वहां पे आप एजम्शन भी लिख सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं कि मान रहे हैं दिस इज ग्रॉस सैलरी तो क्या अमाउंट एक्सेबल हो जाएगा फोर्टी में से थर्टी लेस होकर भाग वन थाउजेंड आई की इनकम बनेगी और सैलरी की इनकम बनेगी नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ माइनस करेंगे इस तरीके से ये इजी क्वेश्चन था ठीक है थोड़ा सा कंसेप्चुअल था अदरवाइज तो इट वॉज गुड टू गो ठीक है एक बार चेक कर लें जल्दी से स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन ओके कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अश्वनी फॉर असेसमेंट ईयर इतना ये बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पर सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और फॉरेन अलाउंसेस के बारे में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अब यहाँ पे स्टूडेंट ने मेंशन भी किया अंडर सेक्शन टेन सेवन और मैं बोलूँगा कि ठीक है अच्छी बात है अगर उनको याद है सेक्शन तो बट इन केस अगर आपको स्पेसिफिक सेक्शन याद नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड राइटिंग दो सेक्शन इफ़ इन केस यू ऑफ यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपने जो सेक्शन कोट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो इट्स ओके इनफैक्ट अगर आप सेक्शन टेन भी लिखते हैं ना तो दैट वॉज गुड इनफ सेक्शन टेन भी ठीक रहता ठीक है तो यहाँ पर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ सॉरी फॉरन लाउन्सेज एग्जेंट हो जाएगा सैलरी इनकम आई दैट इज़ ग्रॉस सैलरी नाइन ट्वेंटी फाइव स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद एट लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड दैट इज़ माई सैलरी इनकम उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को आप टैक्सेबल नहीं करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं इन केस अगर आप दो लाइन भी लिखते तो दैट वुड बी मोर देन सफिशेंट ठीक है कोशिश किया कीजिए आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो और बहुत ज़्यादा क्विकली आप चीज़ें कर पाएं तो दो लाइन भी लिख साफ साफ लिख के ठीक है यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को बोला था कि अपनी राइटिंग तो थोड़ा ठीक करें ठीक है उसके बाद उसके आगे के टेस्ट में उसने बहुत और अच्छा परफॉर्म किया है ठीक है ऐसे ही होता है कि जब आप बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो यू गेट बेटर डे बाई डे ठीक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखिए थर्टी फाइव हंड्रेड माइनस करने के बाद वन था। थाउजेंड ही टेक्सेबल किया है तो दिस इज इज क्रॉस टोटल इनकम एट लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मिसेज अंजना अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट पानीपत इन हरियाणा द मिनिस्पल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज एट फिफ्टी फेयर रेंट इज सेवन थर्टी स्टैंडर्ड रेंट इज एट ट्वेंटी इससे आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा एनुअल रेटिंग वैल्यू आ जाएगी

तो आप इसकी एनएवी जीरो नहीं मान सकते हैं तो इस केस में अच्छा आगे क्या लिखा है रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज टेनेंट मतलब अनरियलाइज रेंट की बातें भी कर रहा है मिसेस अंजना हैज नॉट एनी लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट अब देखो कितनी अच्छी बात यहां पर एक पॉइंट लिखा है बहुत ज्यादा ट्रिकी कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि अनरियलाइज uh, रेंट भी है और ये भी लिखा कि एस ने लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं करी लीगल प्रोसीडिंग शुरू नहीं करी अब जब हम अनियलाइज रेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि कुछ कंडीशनस हैं अन रेंट की ठीक है टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए आपने सारे के सारे मेजर्स ले चुके हों और फिर भी रेंट रिकवर ना कर पा रहे हों तो यहाँ पर दैट कंडीशन इज़ नॉट गेटिंग सेटिसफाइड ठीक है साफ साफ लिखा हुआ है कि मिसेज अंजना हैज़ नॉट इंस्टीट्यूटेड एनी लीगल प्रोसीडिंग्स इसका मतलब उन्होंने अपनी सारे मेजर्स नहीं लिए थे तो उस केस में अनरलाइज रेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप अनलाइज रेंट को माइनस ना करें बिकॉज दिस विल नॉट बी टर्मड एज अनरलाइज रेंट नाउ ठीक है तो यहां पर देखिए कितने अच्छे से अनरिलाइज रेंट भी बोला और फिर मना भी कर दिया शी पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 12 परसेंट म्यूनिसपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलेगी क्योंकि आप क्वेश्चन जीएवी से शुरू करेंगे एनएवी से तो जीरो तो है नहीं क्योंकि फुली सेल्फ ऑक्यूपाइड तो था नहीं पेड इंटरेस्ट फिफ्टी थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर ये भी टुवर्ड्स रिपेयर अच्छा रिपेयर के ऊपर थर्टी थाउजेंड होता है थर्टी थाउजेंड हो, हो, होता है बट जब एन ए वी निल हो जब हंड्रेड परसेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो तब इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है बट जब इनकेस आउट प्रॉपर्टी के लिए आप कर रहे हैं तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन आप फिफ्टी थाउजेंड पूरा का पूरा अलाउ करेंगे और आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल देंगे ठीक है तो सिंपल है पहले आप अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर आपके पास जी ए भी आएगा म्यूनसिपल टेक्सेज माइनस कीजिए एन ए होगा ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्डक्शन थर्टी परसेंट ऑफ एन ए वी ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट की भी आप माइनस करेंगे एंड यू विल गेट योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन था जल्दी से एक बार सॉल्यूशन भी देख लेते हैं स्टूडेंट ने कैसा किए हुए हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाली गई है कंपिटिशन ऑफ जी एक्सपेक्टेड रेंट निकाला है ये वर्किंग नोट में भी दिखा सकते थे ठीक है वहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं आ, यहाँ पर ही किया है एट ट्वेंटी सेवन सिक्सटी फाइव एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर तो एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा था तो एक्सपेक्टेड रेंट हायर यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी तो हमें कोई प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी तो एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड म्यूनसिपल टैक्सेस पे करें म्यूनसिपल टैक्सेज ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट ऑफ वॉट ट्वेल्व परसेंट ऑफ म्यूसपल वैल्यू तो म्यूनसिपल वैल्यू का ट्वेल्व परसेंट आप लेंगे ठीक है आप जी ए वी का ट्वेल्व परसेंट नहीं लेंगे ठीक है ट्वेल्व परसेंट ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी और नेट एनुअल वैल्यू के बाद 24 की डिडक्शन मिल रही है देखिए सेक्शन 24 फोर कोर्ट किया गया है स्टूडेंट यहां पर कॉन्फिडेंट होगा तो दोनों चीजें माइनस करने के बाद यू गेट योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम सॉरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम ठीक है डन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लास्ट क्वेश्चन फॉर द टेस्ट मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश आर ब्रदर्स एंड दे अर्न फॉलोइंग इनकम ज्यूरिंग द फाइनेशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी तो नाइनटीन ट्वेंटी में इन लोगों की इनकम आती है रमेश इज सेटल्ड इन कैनेडा इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी एट एंड मिस्टर सुरेश सेटल्ड इन डेली ओके रमेश कैनेडा में रहते हैं नाइनटीन नाइन्टी एट से और सुरेश डेली में रहते हैं कंप्यूट द ग्रॉस रूटला इनकम अब ये पता चल रहा है कि रमेश अगर कैनेडा में रहते हैं नाइनटीन नाइन्टी एट से तो ही मस्ट बी अ नॉन रेसिडेंट ठीक है कुछ भी नहीं दिया हुआ तो एज्यूम करेंगे दैट ही इज़ अ नॉन रेसीडेंट और सुरेश सेटल्ड हैं दिल्ली में सो ही माइट बी रेसिडेंट ठीक है ही मस्ट बी अ रेसिडेंट इन फैक्ट तो आपको इनकम निकालनी है रमेश इज अ नॉन रेसिडेंट और सुरेश इज अ रेसिडेंट तो आपको पता है सुरेश बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट तो इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी और रमेश की सिर्फ वो इनकम टैक्सेबल होगी विच इज़ अराइजिंग इन इंडिया और डीम टू अराइज इन इंडिया या फिर रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव इन इंडिया आर यू वेल गेटिंग दिस चलिए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स ओनली फिफ्टी परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन इंडिया अब हुआ कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स तो किसी कैनेडियन uh, गवर्नमेंट uh, के या कैनेडियन कंपनी के बॉन्ड्स होंगे सो दिस इंटरेस्ट इज नॉट द इंटरेस्ट ऑन दीज ब्ड्स आर नॉट आर नॉट इज़ नॉट बींग अराइज इन इंडिया सो दिस इज़ आर कैनेडियन इनकम तो अराइज तो इंडिया में नहीं हुई बट सुरेश तो फुली टेक्सीबल होगा क्योंकि इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सीबल होगी रमेश के केस, केस में क्योंकि ये इंडिया में तो अराइज़ नहीं हुआ इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे बट फिफ्टी परसेंट रिसीव हो गया इंडिया में तो आप इसका फिफ्टी परसेंट ही टैक्सेबल करेंगे थर्टी फाइव थाउजेंड का सेकेंड है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंडन अब देखिए ये इनकम ट्वेंटी एट थाउजेंड इंडिया में रिसीव नहीं हुई है ना ही ना इंडिया में अराइज हुई ना इंडिया में रिसीव हुई आप इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे बट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ सुरेश की इनकम ग्लोबल इनकम है क्योंकि आउटसाइड इनकम है कोई बात नहीं बिकॉज ही इज़ अ रेसिडेंट तो यहां पर इनकम टैक्सेबल हो जाएगी ठीक है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंडन कहीं से भी मैनेज हो रहा हो बट बिजनेस कहां पर चल रहा है नागपुर में अराइज इन इंडिया दोनों लोग टैक्स देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी इंडियन असेट्स बिक रहे हैं इंडियन कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं अराइज इन इंडिया माना जाता है टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई यहां पर भी टैक्सेबल कर देंगे इसको अराइज इन इंडिया हो रही है चेन्नई की इनकम है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कैनेडा अब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया इंडिया में ये सर्विसेज रेंडर की गई हैं अगेन टैक्सेबल वन लाख इसको टैक्सेबल करेंगे यहाँ पर तो इनकम ही नहीं है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक अब सेविंग बैंक से पैसा आया सेवन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ आया है सुरेश के लिए दोनों के लिए टेक्सीबल हो जाएगा अराइज इन इंडिया हो रहा है और इनकेस अगर आपको टोटल इनकम निकालनी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी थी इन केस अगर आपको टोटल इनकम निकालनी होती तो आप एटी टी ए की डिडक्शन भी देते क्योंकि आपको पता है सेविंग बैंक अकाउंट से डिडक्शन मिल जाती है कितनी मैक्सिमम टेन थाउजेंड रुपीज़ की ठीक है याद है ए टी 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 ए और सीनियर सिटीजन के लिए ए टी 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 बी याद कर लीजिएगा एक बार एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया इज एक्जैम्प्ट सबके लिए तो आप इसको एक्जैम्ट करेंगे रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल भोपाल से इनकम आ रही है रेंट की तो दैट इज़ टैक्सेबल अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो बहुत स्मार्टली यहाँ पे एग्जामिनर ने लिखा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम या रेंट रिसीव्ड यहाँ पे रेंट रिसीव्ड लिखा है इन केस अगर आप और रेंट रिसीव्ट लिखा हुआ है तो दिस इज़ नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी कैसे करेंगे फिर रेंट रिसीव्ट को हम जे भी मान लेंगे म्यूनिपल टैक्सेस के बारे में कुछ नहीं दिया गया जीरो एन भी आएगा इसमें से थर्टी परसेंट माइनस करेंगे आप और उसके बाद ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम बनाइएगा तो डायरेक्टली मत बनाइएगा इसका थर्टी परसेंट माइनस करने के बाद ही आप बनाइएगा इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो सिर्फ ट्वेंटी फोर ए की डिडक्शन मिलेगी थर्टी परसेंट माइनस होके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये तो कोई इनकम नहीं होती बल्कि इसकी तो एट्टी सी की डिडक्शन मिलती है तो खैर हमें यहाँ पर क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम ही निकालनी थी हाँ अगर टोटल इनकम निकालनी होती तो एट्टी सी की डिडक्शन भी दे देते ठीक है तो आप इसका सोल्यूशन आप इसको कीजिएगा फिर इसका सोल्यूशन भी चेक करिएगा मैं एक बार यहाँ पर भी सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको दो कॉलम बनाने हैं रमेश के लिए और सुरेश के लिए और आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर देंगे ठीक है तो आई बिलीव आप अपना टेस्ट वन आप कंप्लीट कर लेंगे या आपने कर लिया होगा और इसका सॉल्यूशन चेक करें देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर टू की बातें करेंगे दैट वुड बी ऑफ पी पी एंड कैपिटल गेन ठीक है टिल देन थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर